नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सारा देश राम में हो रहा है। जगह जगह भगवान राम के भजन शोभा यात्रा आदि का आयोजन किया जा रहा है। लालकुआ नगर में भी अयोध्या में बन रहे श्री राम मंदिर के 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में क्षेत्र के राम भक्तों ने आज शहर में जय श्री राम और राम आएंगे आएंगे जैसे नारे गाते हुए और ढोल नगाड़ों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। राम भक्तों द्वारा सेंचुरी पल्प एंड पेपर मिल के 25 एकड़ कॉलोनी प्रांगण से इस यात्रा के शुभारंभ के साथ ही अपराह्न लगभग 1 बजे प्रारंभ होकर नगर के विभिन्न स्थानों से गुजरती हुई वापस 25 एकड़ रोड राम मंदिर में पहुंचकर समाप्त हुई। यात्रा 25 एकड़ प्रांगण से होकर श्री राम मंदिर फलहारी बाबा मंदिर से कोतवाली चौराहा होकर गुरुद्वारा पहुंची, जहां से सारे नगर का भ्रमण करते हुए अवंतिका मंदिर पहुंचकर वापस आकर 25 एकड़ रोड स्थित श्री राम मंदिर पहुंचकर यात्रा का समापन हुआ। लालकुआ से न्यूज 69 के लिए उमेश सिंह राणा की रिपोर्ट। प्रदेशवासियों को और क्षेत्रवासियों को राम मंदिर बनने की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और जैसा कि आज आप देख सकते हैं कितना सब में हर्षोल्लास है, कितनी उमंग है, कितनी खुशियां हैं। कितने सालों के बाद हमारा राम जी का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। एक एक बच्चे में, बड़े में, भाई बहनों सब में बहुत ही खुशी का माहौल है। आप देख सकते हैं पीछे जो कल 22 जनवरी राम मंदिर में शिला प्रेरणा की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। उसी संदर्भ में लालकुआ में सभी हिंदू समाज ने एक शोभा यात्रा के रूप में इस समाज को संदेश दिया है कि कल जो है प्रत्येक मंदिरों पर अपने घरों पर एक दीपावली जैसा उत्सव मनाएं, ऐसा संदेश देने का प्रयास किया। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।